नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक और टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम की दृष्टि से। तो ये टॉपिक जो रहेगा वो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर। आपको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आपको कंट्रोलर के नाम से भी एग्जाम पूछ सकता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर क्या होता है, इसका ऑटोमेशन सिस्टम में किस तरीके से यूज होता है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शंस रहती है, क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल रहती है और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम, जिसके लिए हमने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, और इसको हम समझ जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल जो है हमारे इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको भी प्रेस कर दें। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। हम जब भी नई वीडियो पब्लिश करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अब समय वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्ट इसको समझ लेते हैं। समय सेविंग के लिए, टाइम सेविंग के लिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना लिया है जो कि है हमारा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में काम करते हैं उनको ये टॉपिक काफ़ी देखने को मिलेगा या ये इसमें काम करना होता है उनको जब ऑटोमेशन सिस्टम की बात आती है। तो जैसे हमारी कोई प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस में हमें लग रहा था कंट्रोल वाल्व। अब कंट्रोल वाल्व तो रहता है लेकिन कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके लिए लगाया जाता है एक्चुएटर। अब एक्चुएटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं। आपकी कंट्रोल वाल्व तो एक ही हो गया, आपका आपका जो बाल्व प्लग रहता है कंट्रोल वाल्व तो लगा हुआ, लेकिन उस कंट्रोल करने के लिए कुछ अदर इक्विपमेंट हमारे अलग इंस्ट्रूमेंट लग रहते हैं, उनमें से एक रहता है एक्चुएटर। अब एक्चुएटर है तो यहाँ पे आपका एक पोजीशन भी रहेगा, आई टू पी भी रहेगा, फीडबैक लीवर वगैरह ये सारा अरेंजमेंट रहेगा, ये सारा ऑपरेट करेंगे कंट्रोल वाल्व को। कंट्रोल वाल्व अपने आप ऑपरेट नहीं होता है, इसमें एक आपका बाल बॉडी बाल्व प्लग रहेगा, उससे ये स्टम रहेगा, इससे ये कनेक्ट रहता है एक्चुएटर, बाल्व रहेगा, पोजिशन रहेगा, इसके बाद आपका आई टू पी रहेगा, ये सारा कॉम्बिनेशन कहला जाता है कंट्रोल वाल्व। अब एक्चुएटर जो रहता है कई प्रकार होते हैं, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, मोटर ऑपरेटेड, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, कई टाइप के होते हैं। न्यूमेटिक तो हम समझ लिया, इसमें भी एयर टू ओपन, एयर टू क्लोज, वो हमने इससे पहले देखा था, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक। अब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक को हम पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूमेटिक मीन्स एयर सिग्नल। तो ऐसा एक्चुएटर जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड आपका न्यूमेटिक यानी एयर सिग्नल दोनों का यूज किया जाता है या दोनों सिग्नल्स के द्वारा उसकी कंट्रोलिंग की जाती है, उस टाइप के एक्चुएटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूमेटिक एक्चुएटर, जिसका यूज हम करते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के ऑटोमेशन सिस्टम में, कंट्रोल वाल्व में, किसी भी प्रोसेस को प्लांट चल रही उसको ऑटो में कंट्रोल करने के लिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखें डायग्राम, एक्चुअली मैं आपको डीपली समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके, वैसे तो शॉर्ट में हम बताते लेकिन डीपली समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें डायग्राम क्या है, ये आपका जो है इस टाइप का पोर्शन आपको दिख जाएगा कंट्रोल वाल्व के ऊपर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप इमेजेस सर्च करेंगे गूगल में तो आपको इस टाइप का दिखेगा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एक्चुएटर। एक्चुएटर ये है, अब इसमें क्या क्या देखो, यहाँ पे देखें ये पूरा इसकी बॉडी हो गई, ये आपकी ये डैश डैश कर दिखाई पूरी बॉडी हो गई, लेकिन इसके अंदर देखो ये ब्लैक कलर का आपको दिखा हुआ है इस टाइप का, ये आपका है डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम को सपोर्ट के लिए नीचे एसएस की ये रेड कलर में दिखा, ये बैकिंग प्लेट ली जाती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम बैकिंग प्लेट। डायफ्राम बैकिंग प्लेट मतलब कि डायफ्राम को सपोर्ट करने के लिए एसएस की होती है, जो कि आपका जो है जॉइंट रहती है, मतलब कि इसमें कनेक्टेड रहती है, या आपका जो नट वोल्ट रहता है उसके माध्यम से डायफ्राम से कनेक्टेड रहती है, ठीक, डायफ्राम हो गया। अब इस डायफ्राम की बैकिंग प्लेट से एक लगा रहता है स्टम, ये स्टम के ऊपर रहती है आपकी स्प्रिंग, आप देख सकते हैं स्प्रिंग यहाँ पे शो की गई है। स्प्रिंग क्या करती है, जो डायफ्राम है बैकिंग प्लेट है उसको अपनी पोजिशन पे रखती है, अपनी पोजिशन बनाए रखती है, बैलेंस करके रखती है, जबकि कोई इनपुट सिग्नल ना आए। क्लियर। अब ये स्टम जो रहता है, इस स्टम से रहता है आपका वॉल्व बॉडी के द्वारा आपका वॉल्व कनेक्ट रहता है, जिसमें वॉल्व प्लग रहता है पूरा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कंप्लीट डायग्राम बनाने के बाद, लेकिन इसमें बनाने की जरूरत नहीं, हम समझ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर, इसलिए इसमें जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे वॉल्व बॉडी रहेगी, वॉल्व कनेक्ट रहेगा।
ठीक है, ये तो पूरा अरेंजमेंट हो गया, लेकिन मेन इसका देखो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आपकी ये है इनपुट सप्लाई, एयर सप्लाई है, एयर सप्लाई आपकी न्यूमेटिक सिग्नल हो गया जो कि 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 1 केजी पर सेंटीमीटर या यूं कहें 3 PSI से लेके 15 PSI तक इसमें इनपुट सिग्नल रहता है। तो क्या रहता है ये 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इंडस्ट्री में यूज होने वाली स्टैंडर्ड प्रेशर की यूनिट है, टू 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी का प्रेशर की दूसरी यूनिट है जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है प्रेशर की यूनिट, वो 0.2 की बात करें तो 3 PSI आएगा, ये 3 PSI टू आपका 15 PSI। ये क्या हो गया, ये पूरा जो है आपका ये इनपुट सिग्नल हो गया न्यूमेटिक सिग्नल। अब बात करें इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ से आएगा इसमें, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कंट्रोल रूम से देते हैं, एम आई यानी कि इनपुट यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक, ये वायर शो किए हैं, तो ये कितना रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 4 mA से लेके 20 mA, 420 mA, दो सिग्नल आ गए। अब 420 mA की बात की जाए तो I2P होगा इसमें, I2P हम ऑलरेडी इसके बारे में समझ चुके हैं, I2P मीन्स I फॉर करंट, P फॉर प्रेशर या P फॉर न्यूमेटिक, तो करंट टू न्यूमेटिक या करंट टू प्रेशर कन्वर्टर भी होगा जो कि 420 mA को न्यूमेटिक सिग्नल कन्वर्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे देगा ये मैग्नेट और प्लंज अरेंजमेंट है, प्लस ये फ्लैपर है, इसको बोलेंगे फ्लैपर, ये आपका जो है फ्लैपर है, फ्लैपर, और ये आपका है नोजल, वैसे लिख दिया ये है नोजल, ठीक है नोजल। इसके बाद देखें यहाँ पे नीचे कुछ और एक्स्ट्रा दिखा है आपको ऑटोमेटिक ही ऑपरेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, समझेंगे क्या कष्ट समझ आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक लीवर, और फीडबैक लीवर से स्प्रिंग के माध्यम से फ्लैपर कनेक्ट है, यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल दिया है I2P में। पूरा कष्ट समझ में आ गया, पूरी बॉडी हो गई, डायफ्राम हो गया, डायफ्राम नीचे आपकी डायफ्राम बैकिंग प्लेट होगी जो कि SS की होती है, डायफ्राम बैकिंग प्लेट को कंटेक्ट कर दिया था नट बोल्ट के माध्यम से, प्लस इससे कनेक्ट कर दिया हमने स्टम्प, जो कि स्टम्प से आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मीन्स यहाँ पे आपको बाल प्लग लग रहेगा इससे, और बाल प्लग जो कि आपकी पूरी जो पाइपलाइन रहेगी उस पाइपलाइन में फ्लो को आपका ओपन क्लोज जो भी करना है आपका ये फ्लो है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं बाल बॉडी रहेगी आप समझाने के लिए। तो ये हो गया पूरा अरेंजमेंट। अब इसमें कैसे ये काम होता है, तो इसमें काम होता है जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंट्रोल वाल्व को किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम से 420 mA हमने सिग्नल दिया, 420 mA सिग्नल के लिए हमको प्रोसेस कितनी फ्लो कराना है, कितना फ्लो चाहिए, कितना कंट्रोल वाल्व, कितने परसेंटेज कंट्रोल वाल्व ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, 0%, 10%, 20%, 20 जनरली इसका रेशियो रहता है 20, 0, 25, इसके बाद 50, 75 एंड 100%, जो भी आप या 20, 40, 60, 80, 100% जितना परसेंट आपको ओपन कराना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 420 mA सिग्नल्स वहाँ से कंट्रोल रूम से सेंड करते हैं। अब 420 mA इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यह सिग्नल हमेशा I2P में आएगा, I2P उसके प्रोपोर्शनल में आपका 420 mA के प्रोपोर्शनल में आपको 0.2 kg से लेके 1 kg के बीच में जितना करंट आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल में आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूमेटिक सिग्नल निकालेगा जो कि न्यूमेटिक सिग्नल यहाँ पे दे दी। अब देखें ये न्यूमेटिक सिग्नल क्या रहा है, ये आपका एक तो नोजल थ्रू यहाँ पे आ रहा है और वापस ये पायलट वाल्व के थ्रू इसमें जा रहा है, जो हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा है वहाँ से उसके प्रोपोर्शनल सिग्नल यहाँ पे I2P से आया और ये आपका आपका बाल में पहुँच गया और वही नोजल पे आया। अब देखना बाल में यदि हमारा सिग्नल आया यहाँ से, पायलट ने रिलीज किया एयर सिग्नल, ये यहाँ से न्यूमेटिक सिग्नल ये इसमें आया, अब इसमें आता ही क्या होगा आपका एयर सिग्नल आता ही कि डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई होगा, न्यूमेटिक सिग्नल आ रहा है तो डायफ्राम पे प्रेशर अप्लाई होगा तो डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे प्लेट तो लगी है, प्लेट ओनली डायफ्राम को सपोर्ट के लिए है, ये कहीं फिक्स नहीं है, फिक्स तो सिर्फ डायफ्राम है, तो प्रेशर कोई आपको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये प्रेशर अप्लाई होगा डायफ्राम पे, डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और बाल्व सिस्टम भी आपका नीचे जाएगा, बाल्व सिस्टम नीचे जाएगा तो बाल्व सिस्टम से कनेक्ट आपका वाल्व प्लग या आपका बाल्व बॉडी थ्रू वाल्व कनेक्ट है, तो आपकी प्रोसेस निश्चित ही आप देखेंगे बाल्व क्लोज होगा, प्रोसेस क्लोज होगी, यानी कि जितनी रेशियो में बाल्व को डाउन करेंगे उतना ही आपका वाल्व क्लोज हो जाएगा, उतना ही आपका आउटपुट मिलेगा। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमने जो मान लो कि 50% को बाल क्लोज करने के लिए हमने सिग्नल दिया तो क्या हमारा 50% बाल क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं चलता, उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, फीडबैक लीवर लगा दिया गया, फीडबैक लीवर से स्प्रिंग कनेक्ट से फ्लैपर अरेंजमेंट के द्वारा पूरा क्या किया उसको हमने फीडबैक के रूप में यहीं पे ले लिया, प्लांट में ले लिया, फीडबैक लीवर से नीचे गया, फीडबैक लीवर ने स्प्रिंग कंप्रेस किया, फ्लैपर को मूव किया, वो हमको आउटपुट मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे
50% हमको डायफ्राम को प्रेशर देना है, 50% क्लोज करना है, तो यदि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस ज़्यादा यदि 50% ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे आउटपुट के माध्यम से लीवर जो है फ्लैपर को आपको क्या करेगा, दूर करेगा अपने नोजल से, तो नोजल से एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो 50% ये ओपन होता, 50% प्रेशर मतलब ओपन हो जाएगा। मान लो 50% 40% या 45% हुआ, कम हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि हमको चाहिए 50%, लेकिन ये आपका जो है फीडबैक लीवर ऊपर रह जाएगा, मतलब इसको कंप्रेस नहीं करेगा, मतलब कि फ्लैपर क्या होगा, आप देख सकते हैं सिचुएशंस, फ्लैपर वापस नोजल को कवर करेगा, नोजल कवर करेगा तो आपका वापस जो हमको प्रेशर चाहिए वो प्रेशर आएगा। तो कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी नोजल फ्लैपर का अरेंजमेंट और स्पायलेट के अरेंजमेंट के द्वारा, जो हमको जितनी परसेंट बाल्ब हमको ओपन कराना है उतना ही सिग्नल इसमें जाएगा और उतना ही हमारा बाल्ब ओपन क्लोज होता रहेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रो न्यूमेटिक एक्चुएटर का यूज़ करके हम प्लांट में ही किसी कंट्रोल वाल्व को ऑटो मोड में चला सकते हैं, रन कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के, बट वहीं पे उसका फीडबैक लेके ये दे देते हैं। अब ये फ्लैपर और नोजल और फीडबैक लीवर क्या है, ये अलग से लगे रहते हैं कि अलग से नहीं लगे रहते हैं, आप देखना इमेजेस सर्च कर लेना। ये जो स्टेम रहता है उसके ऊपर एक लगा रहता है बाल्ब पोजिशनर, बाल्ब पोजिशनर, बर्ड पकड़ना, बाल्ब पोजिशनर रहता है, इसको हम बोलते हैं बाल्ब पोजिशनर, बाल्ब पोजिशनर। तो बाल्ब पोजिशनर का काम है पूरी बाल्ब की पोजीशंस को ऑब्जर्व करना, यानी कि कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर के बीच में यदि बाल्ब पोजिशन की बात की जाए पोजिशनर की, तो बाल्ब पोजिशनर रहता है कंट्रोल वाल्व का ब्रेन, दिमाग रहता है जो देखता रहता है कि मुझे कितना वाल्व ओपन कराना है, कितना कम क्लोज करना है, कितना ज़्यादा क्लोज करना है, हुआ तो नहीं हुआ, पूरा देख के पूरा अपने आप से एक प्रकार का सेट पॉइंट रिलीज करता है, उस सेट पॉइंट के द्वारा कंट्रोल वाल्व आपका ओपन या क्लोज होता रहता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका रहेगा बाल्ब पोजिशनर में, इसकी एक सेपरेट टॉपिक बनता है बाल्ब पोजिशनर क्या है, बाल्ब पोजिशनर का यूज़ किस तरीके से कंट्रोल वाल्व को ऑटो में ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके प्रयास करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको भी क्लियर करने का आपको बहुत जल्द। तो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है क्वेरी कमेंट कर पूछ सकते हैं आप, और मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें लगभग सभी क्लियर कर दिया, नो डाउट कोई कुछ छूटा नहीं है, तो आपको ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक क्यों नाम दिया है, इलेक्ट्रो मतलब दो सिग्नल्स, न्यूमेटिक यानी एयर सिग्नल, इलेक्ट्रिक जो कि 420 मिली एम्स है इसलिए इसको बोला इलेक्ट्रो, तो नाम हो गया इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर जो कि कंट्रोल वाल्व को ऑटो मोड में चलाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे, वीडियो लेंथ हो जाएगी, समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करें जरूरी है, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। और आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें आप, और उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और अन्य वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक ETUTOR यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन दबाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हम इस चैनल पर जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड अगले एक और टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।